कन्हैया बोलिए, कन्हैया बोलिए, आप भी फ्रिज हो गए हैं क्या? कन्हैया भी फ्रिज हो गए हैं? अच्छा कन्हैया, आवाज आ रही है? कन्हैया आप भी फ्रिज हो गए, आवाज नहीं आ रही है? नहीं पाठक सर, ये जैसे मान लो कि सबसे केवाईसी मांगकर क्या जताना चाहते हैं सर, ये अगर कोई भुगतान मांग रहा है उसे भी केवाईसी मांग रहे हैं जी, केवाईसी मांग करके आपके खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं ये? नहीं 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 नहीं, केवाईसी केवाईसी लेकर, केवाईसी लेकर के ये लोगों से 10-20 लाख करोड़ रुपए का लोन उनके ऊपर कर देना चाहते हैं, ये मांग रहे हैं। सचेत रहिए, किसी का 2 लाख निकालेंगे, किसी का 5 लाख निकालेंगे, किसी का 50 लाख निकालेंगे। इन लोगों को मांगने का उद्देश्य ही यही है, इनके पैसे को कन्वर्जन कर देंगे, इनके मांगने का उद्देश्य ही यही है। सचेत रहिए इनसे, ये महा ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, चोट्टा है, बेईमान है, इनसे बड़ा कोई ना चोट्टा है ना बेईमान है ना दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर है, यही है स्कैमर। ये क्या इनके आका झूठ बोलते हुए जब सरेआम दिखाई दे रहे हैं, इनके लोग मर रहे थे तो इनके लोग इनके इनके आका ड्रांस करते हुए दिखाई दे रहे, नाच गाते दिखाई दे रहे हैं। 14 महीने से इनको मिलने डेट नहीं मिल रही थी, जो ही आंदोलन ने आंदोलन करना जंतर मंतर पे शुरू किया, दूसरे दिन से डेट मिल गई। कैसे मिल गई जी? तुम लोग डेट लेना ही नहीं चाहते थे, डेट लेना ही नहीं चाहते थे। जब हम लोग पहुंचेंगे, लिस्टिंग हो जाने दीजिए, तब कैसे डेट आती है, कैसे आके खड़े होते हो, अभी मुंह छुपाए हुए खड़े हो, घूम निकल नहीं रहे हो। तुम्हारे आका बिलों से निकल कर जो शेष बचे हैं उनको आना पड़ेगा, या नहीं तो उनकी संपत्तियों से बेच करके देश के निवेशकों का पैसा मिलेगा। 40,000 करोड़ रुपए जो पड़े हुए हैं तुम्हारे बाप के पैसे हैं क्या? ये सहारा के देश के निवेशकों के पैसे हैं, उसको डंके के चोट पे कोर्ट में अपना सरकार के सीमेंट पे चढ़ करके ले लेंगे। तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि तुम पैसा नहीं दोगे और इंतजार करने के लिए कहोगे? जितना देर तुम इंतजार करने के लिए रहोगे, देश भर के निवेशकों के एजेंटों के फोन की घंटियां तुम्हारे पास बराबर उसी तरह जाती रहेगी। जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। अभी तो हम फोन कर रहे हैं, अभी तुमको फोन कर रहे हैं, आज से हमने शुरू किया है, अभी वायरल करना शुरू कर रहा हूँ। इनके फ्रेंचाइजी मैनेजर कहते हैं ये सारे कुत्ते हैं, इन इनसे बात करना को गुनाह है, ये डूब जाए तो डूब जाए, मैं वायरल कर रहा हूँ। ये निवेशकों को एजेंटों को कुत्ता बना रहे हैं। हम कुत्ते नहीं है, तुमको कुत्ता बना करके सड़कों पे चौराहों पे नंगा करके घुमाएंगे, नंगा। तुम अभी देखे कहाँ हो, हम तो अपनों से ही परेशान हैं। नहीं तो तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि बिल से बाहर तुम्हारे जैसे लोग निकल करके बाहर आते और ये कहते कि सहारा प्रबंधन तंत्र बहुत अच्छी है, वहीं खड़े चौराहे पे नंगा करके घुमाने का काम करते, नंगा करके। तो कन्हैया जी कह रहे थे अभी कि हम प्रबंधन में आप दीजिए लिख करके केवाईसी मांग रहे हैं, केवाईसी इनके मांगने का तात्पर्य क्या है? आपको पैसा देना चाहते हैं? अभी अभय ने कहा कि कन्वर्जन करा लेंगे, इसका मतलब समझे नहीं हम। चौधरी जी क्या इसका मतलब हुआ? पाठक जी केवाईसी इसलिए मांग रहे हैं, जो भी मेरे से सवाल करेगा उससे केवाईसी लिया जाना चाहिए, और ये आप ही के माध्यम से केवाईसी लेने की बात कर रहे हैं सर, तो इनकी बात नहीं समझ पाए कि क्या अगर निवेशक अपना भुगतान मांगे तो कोई गुनाह कर रहे हैं जिस पर FIR करवाने के लिए केवाईसी ले रहे हैं? अगर कोई जमाकर्ता अपना भुगतान मांग रहा है और इनसे सवाल जवाब करता अपने भुगतान के लिए तो ये केवाईसी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब उस जमाकर्ता पर भी FIR करवाएंगे ये, जिसके कारण वो अपना भुगतान नहीं मांग सके। इनका कहने का अर्थ क्या है सर? और आप ही के माध्यम से कह रहे थे, पूछा जा रहा है सर, तो इसका जवाब सर आपको पूछना चाहिए था कन्हैया शाह से कि आखिर केवाईसी मांगने का मनसा क्या है इनका। ये कह रहे हैं कि हमने तो इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि केवाईसी हम आप वहां फॉरवर्ड करेंगे सहारा फोरम में और उनको बताएंगे कि भाई इनको जरूरत है, इनको जरूरत है, इनको दिया जाए पैसा। जी सर, ये चीज अभी इनको अभी याद आया है, यही 2021 में जब हम एडवाइस जमा किए थे, डेथ मैच्योरिटी जब जमा किए थे तो उस समय में सहारा इंडिया के ऑफिस में नहीं है इसका डिमांड किया हुआ, पूरा क्लेम नहीं किया, क्यों नहीं पेमेंट करवाया? लेकर बैरियर डालेंगे
स्वरूप बोस कह रहे हैं केवाईसी लेकर के बैरियर डालेंगे, मतलब बोलिए ना केवाईसी चाहिए कि कन्हैया शाह को ये लिखित में देंगे कि केवाईसी हम इनके हाथ में देंगे जाकर के, और पेमेंट ये कितना दिन में करवाएंगे, ये क्यों आप नेटवर्क पे आकर के ये कबूले, हम इनके हाथ में केवाईसी पहुंचवाते हैं। पाठक सर ये तो हर उस आदमी से केवाईसी मांग रहे जो सवाल कर रहा है, इनकी हक अभी सवाल किया तो इनसे केवाईसी मांगा, पाठक ने सवाल किया तो उससे केवाईसी मांगा, के बारे में तो ये बात को घुमा करके चले गए गृह मंत्री के गृह मंत्रालय पे जो जवाब कपड़ा निकल रहे थे उसके दास नहीं दिए। फोन बंद ना हो तब तक जब तक कैसे ही अपना कपड़ा निकाल के अपने परिवार अपने लोगों अपने समाज के बीच में नंगा नाचता हुआ दिखाई ना दे तब तक देशवासियों को फोन बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की यही सजा है, उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसको इतना फोन मिलाने की जरूरत है, इतना फोन मिलाने की जरूरत है कि इसके ब्रह्मांड इसके इसके जो सर का सर में एक एक रोए हैं वो झन्नाता हुआ हमेशा दिखाई दे। रात को सोए तो निवेशक, दिन को सोए तो निवेशक, सुबह हो तो निवेशक, शाम हो तो निवेशक, कितना निवेशक, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो जवाब सवाल इसी को मिले पूछना होगा ना। आप इनके आशुतोष जी के फोन मोबाइल पे या उनके चैनल पे बैठ करके क्या उनसे पूछ रहे हैं, जो पूछना हो तो मोबाइल नंबर मैं देता हूँ, बात करिए इससे, पूछिए इससे, बताइए कि कहाँ है पैसा दे, इससे इतना फोन करो कि इसकी फोन की घंटियां रुके ना, ये पागल हो जाए, सड़कों पे नंगा होकर के घूमे। अगर ये ऐसा कर पाएंगे तो आप आंदोलन को जीत पाएंगे। ऐसे तमाम लोग जो ऐसे खड़े होकर के दोस्त के लोगों को, आशुतोष जी इनके फ्रेंचाइजी गार्जियन अपने एजेंटों को और अपने निवेशकों को कुत्ता कह रहा हो, ये कुत्ते हैं, इसी आयक सही है मरे। अभी मैं आइडियो भेजता हूँ, जरा इसको भी चलाइए ना, अगर सुब्रत राय को चला रहे हैं तो इसको भी चलाइए ताकि देश देखे, निवेशकों को सिर्फ अपनी लालच कमीशन की लालच में देश के लोगों का पैसा कूट रचित साजिश करके डंप करा दिया, वो अपने ही फ्रेंचाइजी के एजेंटों को और अपने ही निवेशकों को कुत्ता कह रहे हैं। कहां के हैं वो, कौन व्यक्ति है, नाम बताइए ना, सोचिए कहां के हैं, व्यक्ति का नाम बताइए, नाम 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 भी बताइए, कम से कम नाम बताते चलिए आप, किसने कहा आपने फ्रेंचाइजी अपने अपने एजेंट को कुत्ता, बताइए तो सही, नाम तो बताइए। नाम अच्छा वो चले गए, अच्छा प्रदीप कटियार साहब, हेल्थोरियम के बारे में आपका क्या कहना है? सर हेल्थोरियम के बारे में मैंने कल भी आपसे कहा था कि हेल्थोरियम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमने इसलिए नहीं दे पाएंगे कि मेरे समय में हेल्थोरियम था नहीं, मैं 2015 में रिजाइन कर चुका था, उसके बाद ये लोग हेल्थोरियम लाए थे, तो उस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हम लोग नहीं दे पाएंगे। ये राजा राम जी शायद कुछ दे पाए, चूंकि ये थोड़ा सा बात तक रुके रहे हैं, ये कुछ दे पाए, राजा राम जी से पूछ लीजिए। राजा राम राठौर साहब बोलिए, और एक जो अभी जो विज्ञापन अब जो चलने लगा है, अभी पप्पू यादव ने भी कहा है, क्या ये माना जाए कि अब निवेशकों की बात राजनीतिक पार्टी को लगने लगा है कि अब इनकी बात को अनसुना करेंगे तो मुश्किल होगी, दोनों बात बताइए। एक बार फिर से पप्पू यादव का पहले स्टेटमेंट सुनाइए, आप ऑडियो सुनाइए जरा सा, पप्पू यादव का ऑडियो सुनाइए। क्योंकि निवेश वाला 3 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार वापस नहीं देगा तब तक पप्पू यादव हाउस में नहीं देगा। मैं हेमंत भाई से कहना चाहूंगा, हेमंत भाई आप मोदी जी और अमित जी के भरोसे मत रहिए, सारा इंडिया की जितनी संपत्ति है मुख्यमंत्री बन पाई उसको आगे ग्रहण करिए और उसको नीलाम करके 3 करोड़ झारखंड के गरीब जनता को पैसा लौटा, ये लोग नहीं लौटाएंगे पैसा, ये लोग जब चुनाव आए तब एक घंटा में दे रहा है कि हम वादा करते हैं, 11 सालों से कहा थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा थे, ये हमको ये बताए ना, आज ये बात करते हैं। दूसरी बात हम आपसे एक बात करते हैं कि भैया ठीक करो उसको, हमसे वापस खड़े
हमको आप एक बार आपके जेब में 6000 रुपया क्यों मिला? जी क्या कहना है इस विषय में आप लोगों का? ये भी जुमला है क्या? चुनाव आते ही वायदे हैं क्या? ये चुनावी वायदे हैं क्या है? बताइए सर। ये इलेक्शन का जो है ना, ये एक लेकर के समझिए सर, जुमला ही है। यही पप्पू यादव जी थे, इससे पहले तो ये कोई भी आवाज नहीं निकाले। इलेक्शन जहां जहां जो भी चीज होता है ना, वो एक एक जुमला ही निकलता है पार्टी का। अगर आप सर बतला रहे हैं भाजपा की, भाजपा पार्टी, पार्टी तो सर भाजपा की है, लेकिन सरकार भी जो है सो सर सेंटर में भाजपा की ही है। अगर चाहती तो वो पेमेंट करवा सकती थी सर। पार्टी अगर आज भाजपा की आज सर पार्टी बतला रहे हैं, तो वही पार्टी की सरकार ही सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर में सरकार ही उसकी है भाजपा की। चाहती तो पेमेंट करवा सकती थी। लोकसभा चुनाव के पहले मनोज झा जी आए थे आपके आरजेडी वाले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सबने बड़ी बड़ी बात की थी। अभी तक कहां गायब हो गए? सरकार जी ये सब जुमला है सर।